गाजा पट्टी में चल रहे जंग के बीच इजराइल की अर्थव्यवस्था इस तिमाही में 2% की गिरावट का सामना करने जा रही है। एक बड़े रिसर्च सेंटर ने इसकी संभावना जताई है। रिसर्च सेंटर ने इसकी वजह युद्ध के चलते हजारों कामगारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और काम से दूर हो जाना बताया है। बड़ी तादाद में लोगों को सेना में रिजर्व के तौर पर भी बुलाया गया है। कामगारों के सेना में रिजर्व के लिए चले जाने से भी इजराइल के सामने आर्थिक रुकावट आ रही है। वहीं युद्ध के चलते इजराइल का खर्च भी बढ़ा है। इसने देश की अर्थव्यवस्था को बेहद बुरे दौर में पहुंचा दिया है। रिपोर्ट की माने तो अक्टूबर में श्रम बाजार से लगभग 20% इजरायली कार्यबल गायब हो गया, जो लड़ाई शुरू होने से पहले 3% था। युद्ध के चलते यानी 7 अक्टूबर के बाद इन आंकड़ों में 17% की बढ़ोतरी देखी गई। फिलहाल 20% इजरायली कार्यबल, जो करीब 9 लाख के आसपास होता है, वे घर पर बेरोजगार है। दरअसल इजरायल की लेबनान और गाजा से लगती हुई सीमाओं पर हमलों का डर लगातार बना हुआ है। यहाँ स्कूल बंद हैं और काम धंधे भी ठप हैं। बहुत से लोगों ने इन इलाकों को खाली कर दिया है। ऐसे में एक बड़ा वर्ग कामकाज से दूर हो गया है, जिसका सीधा असर इजराइल की अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। चलिए आपको वजह भी बता देते हैं, आखिर इजराइल की अर्थव्यवस्था की हालत क्यों बिगड़ रही है। दरअसल 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से रविवार 24 दिसंबर तक इजराइल में 1,91,666 लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है, जिनमें से ज्यादातर ने कहा है कि वो युद्ध शुरू होने से पहले काम करते थे, लेकिन उनको बिना वेतन के जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। साथ ही इजरायली सेना में अक्टूबर में करीब 3,60,000 आरक्षित सैनिकों को ड्यूटी के लिए अधिकृत किया गया। ये 1973 के अरब इजराइल युद्ध के बाद सबसे बड़ी संख्या है, जब 4 लाख आरक्षित सैनिकों को मिस्र और सीरिया से लड़ने के लिए भर्ती किया गया था। सेना में ड्यूटी के लिए बुलाए गए रिजर्विस्टों में 1,39,000 को श्रम बाजार से लाया गया है। इनमें कई इंडस्ट्री पर सीधा असर हुआ है। इजराइल की अर्थव्यवस्था पर कई विश्लेषकों का कहना है कि इसी तिमाही नहीं बल्कि अगले साल भी इसमें बहुत सुधार की उम्मीद नहीं है। ज्यादातर एक्सपर्ट ने अगले तिमाही में इजरायली अर्थव्यवस्था के केवल 0.5% की दर से बढ़ने की बात कही है। बैंक ऑफ इजराइल ने सबसे बेहतर 2% की बढ़ोतरी का अनुमान दिया है। इजराइल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष कॉर्निट फ्लग ने कहा कि हम जो अनुमान देख रहे हैं वह इसी बात पर निर्भर करता है कि लड़ाई कितनी लंबी और कितनी तीव्र होगी। लड़ाई लंबी खिंचती है तो फिर स्थिति निश्चित ही और भी खराब होगी, जिसने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि हमास के साथ लंबी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू युद्ध को जारी कैसे रख पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।